The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। क्या प्रेगनेंसी के दौरान कॉफी पी सकते हैं? क्या आप कॉफी पीने में कोई नुकसान है? कॉफी बेसिकली चाय, कैफीन, कॉफी, चाय, सोडा, चॉकलेट, कई सारी एनर्जी ड्रिंक्स में कॉफी कैफीन होता है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जिससे आपकी नींद उड़ सकती है, आपको जागने में मदद हो सकती है, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है और कैफीन से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने से जिटरीनेस, शेकीनेस आ सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम और एसिडिटी का प्रॉब्लम, नींद ना आने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कैफीन से। ऐसे में अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो दिक्कत आपको ज़्यादा हो सकती है। ऑलरेडी प्रेगनेंसी की वजह से आपको नौशिया हो रहा होता है लाइट, और इसके एडिशन से और ज़्यादा नौशिया होने का रिस्क हो सकता है। सो कैफीन अगर आप लेते हैं, तो जब आप लेते हैं वो आपके प्लासेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर भी जा सकता है और बच्चे के अंदर उसकी भी हार्ट रेट बढ़ सकती है। सो कैफीन को आपको लिमिट करना पड़ेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कैफीन 200 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा आपको नहीं लेना है। मतलब एक कॉफी के अंदर करीब 200 मिलीग्राम कैफीन हो, तो एक कॉफी से ज्यादा नहीं लेना है, या दो चाय, चाय में 100 के आसपास होता है, बहुत ज्यादा कड़क चाय भी नहीं पीनी है। तो दो चाय या एक कॉफी से ज्यादा आपको नहीं लेनी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लस कप का साइज और बहुत सारी चीजें इसमें मैंने अप्रोक्सीमेट बता दिया आपको। कैफीन के वजह से क्या कभी मिसकैरेज हो सकता है? सो ऐसा आप सुने होंगे कि कैफीन में कैन कॉज, लेकिन बट बेबी, व्हेन अ बेबी डाइज इन द वूम बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्री टर्म बर्थ, जिसको हम बोलते हैं कि बर्थ दैट हैपन्स बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कंप्लीटेड, या लो बर्थ वेट अगर बेबी है, तो ऐसे तीन केसेस में ही मिसकैरेज कैफीन के वजह से हो सकता है। यानी कि अगर कभी बच्चा प्री टर्म है, लो बर्थ वेट है, तब कैफीन के वजह से आपके कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है। सो बट दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। कुछ स्टडीज में ऐसा दिखा है कि हाँ होता है, कुछ में दिखा नहीं होता। सो बेसिक प्लस माइनस है। क्या कैफीनेटेड फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं? ऑब्वियसली कॉफ़ी है, कॉफ़ी फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स हैं, कॉफ़ी फ्लेवर्ड योगर्ट, कॉफ़ी फ्लेवर्ड आइसक्रीम, कॉफ़ी फ्लेवर्ड है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें भी कैफीन होता है, टी, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट और कुछ दवाइयों में भी हो सकता है। सो कैफीनेटेड चीज़ें एक साथ प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। अमाउंट ऑफ कैफीन जो फूड्स में है, अलग अलग कंपनी अलग अलग इसमें वेरी करेगी। सो आप उस ब्रांड का लेबल पढ़ सकते हैं, साइज ऑफ कप ले सकते हैं, पर अल्टीमेटली लिसन टू योर बॉडी, टॉक टू योर डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, मेजर योर ब्लड प्रेशर, अपना बीपी, अपनी पल्स रेट रेगुलर चेक करें, और चाय पीने के बाद चेक करें कहीं वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही, कहीं आपको दिक्कतें तो नहीं हो रही। लिसन टू योर बॉडी, जब भी आपको दिक्कत होती है वो अमाउंट कम करें। सो बैलेंस योर कैफीन। एनर्जी ड्रिंक्स में भी बहुत मात्रा में होता है, तो शाम को रात को 6-7 बजे के बाद कॉफ़ी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, कैफीन नहीं लेना, नहीं तो रात को नींद आने में दिक्कत हो जाएगी। सो अमाउंट ऑफ कैफीन जो आप लेते हैं वो बिल्डअप हो सकती है, जॉइंट हो सकता है, तो ध्यान इस चीज़ में आपने रखना है। सो देखो ये एग्जांपल दे रखा है, ब्रू कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, डी कैफ कॉफ़ी, उसमें 15-75 और 137 और ब्रू टी में 45 के आसपास इसमें रह सकता है, पर इंडियन के केस में ये 100 तक जा सकती है अच्छी खासी चाय में। सो ये ध्यान में रखें आप। सो आप ये सारा कंटेंट जो है वो वेरी करेगा, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस हम फिर भी बता दे रहे हैं। सो कुछ मेडिसिंस होती हैं जो माइग्रेन के लिए, कोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी कैफीन होता है। सो उसका भी ध्यान रखें, जब भी आप कोई दवा खाते हैं उसका कंटेंट ज़रूर देखें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें कि भाई ये दवाई है मैं ले सकती हूँ कि नहीं। ओके, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट डू टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। आई होप दिस वन हेल्प्स। और कैफीन जो है कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है,
ये कुछ हर्बल टीज, ग्रीन टीज, ये सब चीजों में भी हो सकता है। सो इस चीज से भी थोड़ा सा परहेज आपको करना पड़ेगा। अब कैफीन और ब्रेस्ट फीडिंग का क्या हिसाब है? देखो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहते हैं कि इट्स सेफ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स टू हैव कैफीन। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन डज गेट इन टू योर ब्रेस्ट मिल्क, मिल्क से भी आपके बच्चे में थोड़ा सा कैफीन जाएगा, इसलिए कैफीन का भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी लिमिट करना है। सो अगर आप उसमें कर रहे हैं तो 2 से 3 कप आप पी सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम 1 कप या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप, और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ 2 से 3 कप आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है, वरना आपको भी नींद में प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही बच्चा छोटा होता है तो नींद नहीं आती है, कैफीन भी पी लोगे नींद भी नहीं आ रही, और ऐसी तैसी है ही नहीं। सो कैफीन कम आपने रखना है। आई होप दिस हेल्प, प्लीज शेयर दिस वीडियो। इस चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ।